खेती करके पंजाब की पहचान हैगी है, पर पंजाब हुण इन्ना ज़्यादा कैमिकल जड़ा खेती असी यूज़ कर रहे हैं, जिस करके हर एक घर च बीमारी जड़ी है वो एंटर हो चुकी है। कैंसर जड़ी है बहुत वड्डी पंजाब च एक लाइलाज बीमारी बन के उभरिया, और इन्ना ही नहीं पंजाब की जड़ी माली हालत है वह भी खस्ता हैगी है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का मानना है कि यदि माली हालत नूं सुधारना है तो बाहरलियां कंपनियां पंजाब च आके इनवैसट करन, और इसी करके एक एसएन ग्रुप है जिन्हें 1000 के करीब पंजाब विच जमीन खरीदी, 1000 एकड़ के करीब जमीन खरीदी है, और 100 मिलियन डॉलर की वो जड़ी है इनवैसटमेंट करन जा रहा, और इस दे नाल ना सिर्फ पंजाब की जड़ी माली हालत खराब है उस विच भी वह अपना योगदान देंगे, बल्कि वह इस जमीन के उत्ते ऑरगैनिक खेती करेंगे ताकि पंजाब के किसानों को खेती करन दा मतलब पता चले, और जेड़े कैमिकल जेड़े वो यूज़ करते हैं उस तो पंजाब नू बचाया जा सके। साडे नाल नीतीश नरूला जी है जिहड़े कि डायरैक्टर है गए एसएन ग्रुप दे, उन्हां नाल गलबात करदे आ। सर पहला तो दैनिक सवेरा ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका भी नमस्कार। सर मुझे समझ नहीं आई, आपने 1000 एकड़ के करीब जमीन खरीदी है, ये जमीन आपने खरीदी कहाँ पर है? ये हमने ली है मिर्ज़ापुर मोहाली में डिस्ट्रिक्ट, ये चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ में, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ में जी। अच्छा, ये आपने परचेज कर लिया? हाँ जी, हाँ जी, हमने परचेज कर लिया है। अच्छा, इसमें पंजाब के लोगों को कैसे बेनिफिट मिलेगा? इसमें पंजाब के लोगों को 4 सूरतों में बेनिफिट मिलेगा। पहला सूरत है एग्जीक्यूटिव फार्मिंग। एग्जीक्यूटिव फार्मिंग जो कि आचार्य देवव्रत जी का भी सपना है और मोदी जी का भी सपना है कि हमारे यहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बिना खाद के गाय गोबर और गाय मूत्र से हम लोग यहाँ खेती करेंगे, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी सोयल सेंस यहाँ लगाएंगे, उस टेक्नोलॉजी से आप लोगों को, आप ग्राहकों को इतनी सहूलियत होगी, आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर पाएंगे उस प्रोडक्ट की कि ये किस खेत से किस टाइम पे और उसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू थी। पहला प्रोडक्ट जी। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है जी, भारत दर्शन। हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं पंजाब में जिसके अंदर जितना भी ये हिंदुस्तान है वो एक जगह अपना हिंदुस्तान देख सकता है। हमारे यहाँ पे आज 806 ज़िले हैं और उन सब के अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग पानी है, अलग अलग खान पान है, हम उसको एक समूहित करके उस क्षेत्र में लेके आएंगे। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट। इसमें टूरिस्ट आएंगे तो इसमें टूरिज्म होगा, लोग आएंगे, देखेंगे, समझेंगे कि जी कैसे खेती होती है और उस प्रोडक्ट का, क्योंकि हमें नहीं पता कन्याकुमारी का क्या प्रोडक्ट है, तो हम पंजाब में ऐसा मॉडल देंगे कि जी ईस्ट से लेकर वेस्ट से लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ तक सब कुछ एक ही जगह इकट्ठे मिलेगा लोगों को, लोग अपने पर्यटन के लिए भी आएंगे और लोग वहाँ पे आके स्वाद भी चखेंगे। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट है जी भारत ऊर्जा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऊर्जा। पंजाब को हम एक ऐसी ताकत देना चाहते हैं उस 500 एकड़ के अंदर जिससे कि भारत में बहुत तरीके हैं जिससे हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, तो हमारी काफ़ी बड़ी रिसर्च टीम है वो आएगी और उसमें वहाँ 500 एकड़ में भारत को हो सकता है कि हम 500 एकड़ में पूरे पंजाब के लिए इतनी पैदा कर दें बिजली कि भगवंत मान जी भी सब्सिडाइज जो उनका 200 यूनिट का सपना है वो हमारे थ्रू ही पूरा हो जाए। चौथा प्रोडक्ट है जी एग्जीक्यूटिव चंडीगढ़। एक ऐसा चंडीगढ़ जहाँ पे अब इन तीनों प्रोडक्ट को आपने देखा, इन तीनों प्रोडक्ट में सिर्फ कंपनी पैसा लगाई जा रही है ताकि आप सब लोगों को कुछ सहूलियतें मिलें, पंजाब सरकार को सहूलियतें मिलें, बट उस कंपनी को भी थोड़ा बहुत अपने पैदा करना है, क्योंकि अगर पैदा नहीं होगी तो जी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, कल का आज हो जाएगा। इसीलिए हम एग्जीक्यूटिव चंडीगढ़ जिसमें उन लोगों को लेके आना चाहते हैं जिन लोगों की विजन है और वो वहाँ पे आके रहें। मतलब हमारी विजन ये है कि जितने भी अल्ट्रा HNIs हैं वो वहाँ आके रहें और नेचर को इंजॉय करें। आपका ये जो प्रोजेक्ट है, आपने जमीन तो खरीद ली है, ठीक है, कंपनी के नाम पर आ गया, ये कब से कंपनी वहाँ पर अपनी एक्टिविटी जो है वो शुरू कर देगी? ऐसा है जी, हमने अपने जो CS चीफ सेक्रेटरी साहब है उनको भी मेल लिख दिया है, अपनी जो DC मैडम है उनको भी मेल लिखे, अब बस भगवंत मान जी जैसे ही हमें आदेश करते हैं हम लोग तत्पर हैं उनकी सेवा के लिए। अच्छा, SN ग्रुप पहले क्या बना रहा, मतलब कि SN ग्रुप मार्केट में तो होगा? SN ग्रुप का इतिहास बताता हूँ जी। SN ग्रुप का इतिहास सन 1973 का इतिहास है। सन 1973 में मेरे दादाजी लेट हंसराज नरूला ने राइस मिल लगाई थी, पहली राइस मिल 1973 में हमने लगाई थी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में, गांव जीरा।
उसको हमने 1990 तक कंटिन्यू किया। 1989 में हमारे घर में एक दुर्घटना हुई, मेरे ताऊजी को शूट आउट कर दिया था जब यहाँ पे आतंकवाद था, आतंकवाद में मेरे ताऊजी खत्म हो गए। फिर हमारा का पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, दिल्ली में हमने नए बाज़ार गद्दी करी, आड़त का काम किया, दोबारा से अपने आप को फूला करा, जिस तरीके से भी परिवार टूट गया था परिवार को जोड़ा। उसके बाद 2014 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली SN ओवरसीज, जिसके अंदर मैं एक्सपोर्ट करता था। 2018 के अंदर मेरे साथ भी कुछ घटनाएं घटी, उस घटनाओं को मैंने मद्देनज़र रखते हुए 2018 में ही रियल एस्टेट में आने का फैसला किया। रियल एस्टेट के साथ साथ फार्मिंग आने का फैसला किया, जिसमें आचार्य देवव्रत जी ने हमें बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छी हमें केचुए के बारे में नॉलेज दी, और ऐसी ऐसी नॉलेज दी कि जी हम बिना एक रुपया लगाए के जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बिना किसी पैसे के हम खेती कर सके। वो हमने फिर कंटिन्यू करके और आज हम 2024 में हमने वो ज़मीन परचेज करी, सब कुछ करा। अब हम सरकार से अनुग्रह करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को प्लीज़ जैसे भी करके हमें अनुमति दे, हम शुरू कर सकें और देश हित में एक बहुत बड़ा अपना सहयोग दे सके। अच्छा, आप कह रहे हो नेचुरल खेती वाली बात, SN ग्रुप कोई ऑलरेडी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है नेचुरल खेती के रिगार्डिंग? SN नेचर्स 2020 में एस्टेब्लिश हुआ था और परमात्मा की दया से SN नेचर 550 प्रोडक्ट आज के टाइम में करता है। 550 प्रोडक्ट? हाँ जी, 550 प्रोडक्ट, और वो भी ऑर्गेनिक, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी चीज के, और वो सारे भारत में बेचे जा रहे हैं। सारे भारत में बेचे जा रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं? हम एक्सपोर्ट थोड़ा सा अभी कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 2018 का जो मैंने बताया दुर्घटना होने की वजह से, हम चाहते हैं पहले हम अपने देश के नागरिक को तंदुरुस्त करेंगे, बाहर का नागरिक फिर बाद में तंदुरुस्त हो जाएगा। चलो नीतीश जी, थैंक यू जी। तो ये थे नीतीश नरूला जी, SN ग्रुप के डायरेक्टर है गया, जिन्हों का कहना है कि उन्होंने 1000 के करीब जी है भूमि जी है वह खरीद लीती है, जमीन खरीद लीती है, चंडीगढ़ के बिल्कुल नाल है, प्रोजेक्ट बहुत जल्दी जिद ही पंजाब सरकार तो हरी झंडी मिलती है उस तो बाद इस प्रोजेक्ट से काम जरा शुरू हो जाएगा और इतने ऑरगैनिक जी है खेती की जाएगी, ताकि इस खेती देख के पंजाब के जोड़े बाकी किसान है वो भी अपनी खेती विच सुधार लिया सकन, कैमिकल तो अपने आप नू दूर रख सकन, ताकि कैमिकल दी जो वरतों नहीं होएगी तो पंजाब दे लोकी जड़े आ वह हेल्थ वाइज भी बहुत चंगे हो जाएंगे, मतलब उन्हां दा जड़ा स्वस्थ हैगा वह भी सुधर जाएगा और जिस करके पंजाब दी माली हालत ते भी फर्क पेगा। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन दीपक दे नाल, थैंक्स फॉर टीवी चंडीगढ़ तो। के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।